बात मत करे। ओके, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 थर्मोडायनामिक्स। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस, ये तो समझो एक ट्वेल्थ में तुम्हारे लिए एक चैप्टर है। जब ये आगे हायर स्टडीज में जाएंगे ना, इसके ऊपर एक पूरा बुक है थर्मोडायनामिक्स ऐसा। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा लो लेवल का समझो, जो हमारे ट्वेल्थ साइंस में भी दिया है ना, इसका भी लेवल बहुत ज़्यादा लो है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो थर्मोडायनामिक्स में ये जो वर्ड है थर्मोडायनामिक्स, पहले इसका मतलब बता दो। देखो ये जो थर्म वाला वर्ड है, ये तुमको मालूम है किस, ये किससे रिलेटेड है, किससे, हीट, बराबर। और डायनामिक्स चेंज ना, बराबर। मतलब थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं अलग अलग एनर्जी का फॉर्म, समझा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, किसमें, थर्मोडायनामिक्स। तो ये क्या है, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझा, क्या है, अलग अलग एनर्जी के फॉर्म्स जो डील करता है वो है थर्मोडायनामिक्स। सिर्फ अलग अलग एनर्जी के फॉर्म से डील नहीं करता है, उसके क्वांटिटेटिव रिलेशन, मतलब वो जो भी एनर्जी, अलग अलग एनर्जी का जो फॉर्म है उनका क्वांटिटेटिव रिलेशन, मतलब एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी से क्या रिलेशन है, समझा, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, समझा पॉइंट क्या क्या है। पहला किससे डील करता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझा। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनके बीच में कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, उससे भी डील करेगा, राइट है। एंड वो उसमें कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में क्या चेंजेस वगैरह होता है उससे भी डील करेगा। एंड द चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तीन की पॉइंट याद रखो, पहला डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड द चेंज दैट ऑकर्स, हाँ, चेंज ऑकर्स ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये तीन की पॉइंट याद रखो। वैसे ऐसा कोई डिफाइन एग्जाम में आता नहीं, बट फिर भी तुमको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, बराबर। थर्मोडायनामिक्स इज द, अभी याद करो, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड द चेंज ऑकर्स ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। सिंपल, समझा तीन चीज क्या है। चलो अभी एक्चुअल चैप्टर चालू होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में दिया है, लेकिन बीच में इंटेक्स कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स से कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब कहाँ थर्मोडायनामिक्स यूज नहीं हो सकता है और कहाँ यूज, कुछ लिमिटेशन का मतलब मालूम है तुमको, लिमिटेशंस पढ़ा है ना, हाँ। तो थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशंस क्या क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट, ये डील करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रो MACRO, माइक्रो नहीं, MICRO नहीं, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी से डील करेगा, छोटा मोटा प्रॉपर्टी से डील नहीं करता, समझा। पहला पॉइंट क्या है, थर्मोडायनामिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, पहला लिमिटेशन, छोटा मोटा प्रॉपर्टी नहीं, डायरेक्ट बड़े बड़े प्रॉपर्टी से डील करेगा। सेकंड, ये कोई टाइम फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब टाइम फैक्टर को नहीं देखता है, स्पीड को नहीं देखता है, समझा, टाइम फैक्टर और स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, समझा क्या पॉइंट है। पर जिशान अलग अलग बैठो, अलग अलग बैठो, हाँ। तो पॉइंट हमने दो पॉइंट समझा, क्या क्या बताया मैंने तुमको, बरा दो पॉइंट समझा क्या है। तो पहला पॉइंट याद रहेगा, बोलो, डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक, हाँ, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। सेकंड, टाइम फैक्टर और स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, समझा। अभी कौन सा टाइम, कौन सा स्पीड, वो बताता हूँ। देखो समझो, कोई एक चेंज ऑकर हो रहा है, कोई एक चेंज हो रहा है, कोई एक फिजिकल या फिर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, समझा। तो वो चेंज कितने स्पीड से हुआ, वो चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसको नहीं देखता है, समझा रहा मैं क्या बोल रहा है। एक कोई फिजिकल नहीं तो केमिकल चेंज हो रहा है, समझो, इमेजिन करो, वो फिजिकल या फिर केमिकल चेंज कितने स्पीड से हो रहा है, राइट, कितने स्पीड से हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है चेंज होने के लिए, वो सब नहीं देखता है, कौन, थर्मोडायनामिक्स, समझा। थर्मोडायनामिक्स खाली क्या देखेगा, एंड वाला प्रोडक्ट क्या है, एंड में क्या मिल रहा है उसको, समझा, समझा। दो लिमिटेशन क्या क्या बताया, फर्स्ट याद है, इट डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, समझा। सेकेंड है, इट डज नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर एंड द स्पीड विथ विच द चेंज हैज ऑकर्ड, समझा, इट डज नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर एंड स्पीड विथ विच द चेंज हैज ऑकर्ड। चेंज होने के टाइम पे कितना टाइम लगा, कितने स्पीड से हुआ, वो सब नहीं देखता है, कौन, थर्मोडायनामिक्स, समझा पॉइंट, दो लिमिटेशन, अरे बोलो तो, हाँ, एक्टिव रहो थोड़ा। फिर थर्ड पॉइंट, ये जो थर्मोडायनामिक्स है, ये याद है केमिस्ट्री में मैकेनिज्म भी होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तुमको पढ़ाऊंगा जब पार्ट टू वाला केमिस्ट्री पढ़ाएगा तभी। तो थर्मोडायनामिक्स मैकेनिज्म पे भी डिपेंडेंट नहीं है, मतलब मैकेनिज्म को भी नहीं देखता है, समझा। मैकेनिज्म में आता है क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या रिएक्शन हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या बना, सेकंड स्टेप में क्या बना, थर्ड स्टेप, फिर ओवरऑल क्या बना, समझा।
तो जो थर्मोडायनामिक्स है ये मैकेनिज्म है, ये इट डज नॉट टेल्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कैसे हुआ उससे मतलब नहीं, रिएक्शन होने के बाद क्या मिला उस पर मतलब है उसका, समझा क्या? मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता, मैकेनिज्म कुछ नहीं देखता है, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताएगा। तो क्या किसमें इंटरेस्टेड है? इट इज ओनली इंटरेस्टेड इन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, समझा? इनिशियल और फाइनल स्टेट मतलब किधर थे और चेंज होने के बाद कहाँ पे है, बस उस पर डिपेंड करें, समझा? तीन लिमिटेशन बोलो, क्लियर, याद है? बोलो फर्स्ट लिमिटेशन, इट डिपेंड्स ऑन या फिर इट डील्स ऑन विथ मैक्रोस्कोपिक, बोलो, बोलने बिना बोले नहीं याद होगा, इट डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, पहला। सेकेंड, इट डज नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर एंड द स्पीड विथ विच द चेंज हैज ऑकर्ड, समझा? उस पर डिपेंड नहीं करता है। फिर थर्ड हमने देखा कि ये मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताएगा, ये किसमें इंटरेस्टेड है? इनिशियल और फाइनल स्टेट, समझा? समझा? इट डज नॉट टेल्स अबाउट द, बोलो, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड इट इज ओनली इंटरेस्टेड इन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। बताऊंगा सिस्टम वगैरह क्या सब बताऊंगा, बरा समझा? तीन लिमिटेशन बोलो, समझा? एकदम इजी है, पूरा थियरी है, स्टार्टिंग में पहला लेक्चर, एक दो लेक्चर तो थियरी थियरी मिलेगा। फिर ये एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट कुछ नहीं है, सिर्फ किस में डिपेंड है? इनिशियल फाइनल, बस, समझा? बीच में क्या हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, क्या मैकेनिज्म है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बताया ना? माइक्रोस्कोपिक पे डिपेंडेंट था क्या? माइक्रोस्कोपिक पे, मैक्रो पे है, माइक्रो फिर क्यों देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट नहीं है, समझा? चार पॉइंट क्या है? इट डज नॉट कंसिडर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, इजी, समझा ना? चलिए तो पॉइंट है, याद रहेगा, बोलेंगे, बोलो फर्स्ट पॉइंट, इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, सेकंड, इट डज नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर एंड द स्पीड विथ विच द रिएक्शन हैज ऑकर्ड, राइट है, समझा? किसके बारे में नहीं बताता है? It does not tells about the mechanism of the reaction and it is only interested in initial and final state of the system. समझा? Last वाला, it does not consider internal structure of atom or molecule. खत्म, simple. समझा है? Thermodynamics याद है क्या है? Thermodynamics. बोलो thermodynamics क्या है? It is the branch of science which deals with the different forms of energy, the quantitative relationship between them. And the change occurs due to physical and chemical process. Easy on the spot याद करो अभी का भी, समझा है? चारों limitation भी याद रहेगा। Macroscopic property से deal करता है, time factor speed पे depend नहीं है, समझा? फिर देखा mechanism पे dependent नहीं है, initial final state बताएगा और last में खाली क्या बताया? Internal structure atom और molecule पे depend नहीं करता है, खत्म, समझा? बोलो, समझ गया, इजी इजी है। दो क्वेश्चन कर दिया, टोटल शायद 10 या क्वेश्चन करेंगे, 10 में, अब ये incomplete क्वेश्चन है, तीन ही है, इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं। चलो नया क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट बुक में नहीं है, मैंने बना दिया, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा था, कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये भी याद होना है, तुम्हारे टेस्ट बुक में डायरेक्ट इधर आया, सिस्टम सराउंडिंग। चलो एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। देखो, समझो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब तो देखा ही है, 11th में एक्सप्लेन किया है, टेस्ट ट्यूब में एक सोल्यूशन है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, समझ आया क्या कर रहे हैं? टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी सोल्यूशन है, बराबर, उसको हम लोग, वो हमारे लिए सिस्टम हो गया, समझा? समझा सिस्टम क्या है? समझा क्या सिस्टम क्या है? जो भी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारे लिए सिस्टम, समझा? टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन है उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे, वो हमारे लिए क्या हुआ? और ये सिस्टम को छोड़ दिया तो जो बाकी जो बचा ना वो हमारे लिए सराउंडिंग है, सिंपल लॉजिक है, कुछ हार्ड नहीं है, समझा क्या? इजी, तो देखते क्या है। अच्छा, वो जो टेस्ट ट्यूब है, वो टेस्ट ट्यूब हमारे यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है ना, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, समझो ये तुम्हारे लिए टेस्ट ट्यूब, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स सेलेक्टेड, सेलेक्ट किया ना मैं इसको, टू स्टडी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, यूनिवर्स में से एक छोटा सा पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है, क्या स्टडी करने के लिए? तो ये मेरे लिए क्या बन गया? सिस्टम, समझा? अरे बहुत इजी डिफाइन है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स सेलेक्टेड टू स्टडी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सिस्टम, समझा क्या? पढ़ो वही देखा, पढ़ो, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स सेलेक्टेड टू स्टडी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिस्टम, बस रुक जाओ आगे बाकी है, समझा क्या है? बोलो, याद करना, याद करना है, समझा? समझ तो कोई भी जाएगा। सेकंड पॉइंट, बट सेकंड में तो उसका एग्जांपल है, एक्चुअली वो एग्जांपल होना चाहिए, सेकंड पॉइंट जगह नहीं था इसलिए लिख दिया। सुनो, टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ना, टेस्ट ट्यूब में कोई तो सॉल्यूशन है, बरा अंडर स्टडी इस सिस्टम, ये सिस्टम हो ना, एग्जाम्पल बोला, कोई भी एग्जाम्पल हो तुम्हारी मर्जी, कुछ भी, जरूरी थोड़ी टेस्ट ट्यूब है, बरा समझो टी इन अ कप, समझो हॉट टी इन अ कप इज अ सिस्टम,
हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं उसका टेम्परेचर वगैरह स्टडी करने वाले हैं, तो मेरे लिए सिस्टम जो भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं सिस्टम सिंपल। अ टेस्ट ट्यूब विद सॉल्यूशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। एग्जाम्पल ले दिखाया, अरे बोलो समझा है ना, समझा है डिफाइन सिस्टम क्या है, बोलो बोलो क्या है, बताओ सिस्टम। पार्ट ऑफ यूनिवर्स सेलेक्टेड टू स्टडी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिस्टम। एग्जाम्पल अ टेस्ट ट्यूब विथ सॉल्यूशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम। समझा समझा क्या, हाँ सराउंडिंग क्या है, देखो बहुत ईजी है, अगर मैं सिस्टम को छोड़ दूँ यूनिवर्स में से वो सिस्टम वाला पार्ट निकाल दूँ तो जो बचा वो क्या है, समझा द पार्ट ऑफ यूनिवर्स समझा एक्सेप्ट सिस्टम या फिर अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। अपने मन से बना सकते हैं, वैसे इधर भी एक लिखा है पॉइंट, पढ़ो क्या पढ़ो, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, सिस्टम को जो छोड़ दिया वो जो बचा वो क्या है, समझा क्या है, इजी है ना, पढ़ लेगा पढ़ो क्या है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड एज, याद करो ना अभी कभी ऑन द स्पॉट, समझा है ना, ओके। सराउंडिंग के ऊपर एक और पॉइंट है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट भी अभी बता देता हूँ चलो। तो फर्स्ट पॉइंट तो सराउंडिंग का डिफाइन था, सेकंड पॉइंट सराउंडिंग के बारे में क्या, देखो सराउंडिंग एक लार्ज स्टॉक ऑफ मास, स्टॉक समझाता है ज्यादा, स्टॉक में चीज खरीद रहे बोलते ना, हाँ तो जो सराउंडिंग है खुद सोचो ना, सिस्टम समझो ये टेस्ट ट्यूब सिस्टम, इसके पास ज्यादा मास रहेगा, इसको छोड़ दिया यूनिवर्स के पास ज्यादा मास रहेगा, यूनिवर्स ना बराबर ना, वो ज्यादा बड़ा है बराबर। तो सराउंडिंग है क्या, सराउंडिंग इज अ लार्ज स्टॉक ऑफ मास, समझा सराउंडिंग इज अ लार्ज स्टॉक ऑफ मास एंड एनर्जी, मास से मतलब एनर्जी भी है, जिसके पास जितना ज्यादा मास उसके पास उतना ज्यादा एनर्जी ना, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वही बोलता है ना, जितना एनर्जी ज्यादा उतना मास ज्यादा रहेगा, समझा। तो सराउंडिंग क्या है एक्चुअल में, इज अ लार्ज, अरे बोलो लार्ज स्टॉक ऑफ मास एंड एनर्जी, लार्ज स्टॉक ऑफ मास एंड एनर्जी, इसका मतलब क्या, सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में आ सकता है, आ सकता है ना, और सिस्टम से एनर्जी जा सकता है, समझा है ना, होता है ना ऐसा, गर्म चाय को रख दिया इसी नेचर में, मतलब सराउंडिंग में रख दिया बराबर, और ये टेम्परेचर और छोड़ दिया उसको, वो गर्म गर्म ही रहेगा, ठंडा होएगा ना, मतलब गर्म मतलब हीट था ना, हीट एक्सचेंज किया ना सराउंडिंग के साथ, समझा है क्या, छोड़ दो उसको, एक साल बाद आके देखो रहेगा वो चाय वहाँ पे, खत्म हो जाएगा ना पूरा वहाँ से, मतलब मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, अरे बोलो ना, हो सकता है ना मैटर भी एक्सचेंज, तो सराउंडिंग के साथ सिस्टम एनर्जी भी एक्सचेंज करता है और मैटर भी, मास मतलब मैटर की बात है, समझा ना पॉइंट क्या है, बोलो सराउंडिंग याद है क्या है, सराउंडिंग बोलो क्या, सराउंडिंग अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। क्या है सराउंडिंग, सराउंडिंग इज अ लार्ज स्टॉक ऑफ मास एंड एनर्जी, और हो क्या हो सकता है उसमें, कैन बी, अच्छा एक मिनट एक मिनट, लार्ज स्टॉक ऑफ मास ये एक अलग चीज है और यहाँ से अलग है, एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड, बताया ना एनर्जी एक्सचेंज और मैटर भी होता है, दोनों होता है, समझा है, बोलो अभी तक याद है जो जो पढ़ा है तुमको, ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, समझा है ना, बताओ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड द चेंज ऑकर्स ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। पहला लिमिटेशन डील्स विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, समझा, सेकेंड क्या, इट डज नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर एंड द स्पीड विथ विच द रिएक्शन हैज ऑकर्ड, बराबर ना, हाँ फिर थर्ड किसके बारे में नहीं बताता, इट डज नॉट टेल्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड इट इज ओनली इंटरेस्टेड इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, बराबर, इट डज नॉट कंसिडर, लास्ट वाला पॉइंट क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बराबर, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम याद है, दो कंसेप्ट है क्या क्या, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम याद है क्या है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स सेलेक्टेड टू स्टडी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिस्टम, अ टेस्ट ट्यूब विद सॉल्यूशन अंडर स्टडी इज सिस्टम, बराबर ना, सराउंडिंग क्या है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, सेकंड पॉइंट सराउंडिंग इज अ लार्ज स्टॉक ऑफ मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, समझा, इजी ना, अब आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप का सिस्टम होता है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4, टाइप्स ऑफ सिस्टम, बहुत ईजी है, देखो एक एक ही एग्जाम्पल से पूरा सिस्टम तीनों टाइप का सिस्टम है तुमको समझा देगा। टी चाय, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बरा टी, एक कप में समझो टी है, बरा है हॉट टी, बरा अंदर है, एक बात बताओ, बहुत मतलब टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर है, हॉट टी समझा, ऑलमोस्ट 100 तो रहेगा नहीं, उबलता हुआ चाय पीते क्या, नहीं ना,
तो समझा ना कैसा है, कमी रहेगा थोड़ा, मत समझो फिर भी गर्म रहेगा। तो ये जो हमारे पास टी है, हॉट टी ना इन अ कप, ये एक एक पढ़ते तीन टाइप का सिस्टम रहता है। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम बताऊंगा, तीन टाइप का सिस्टम क्या है। पहला टाइप का सिस्टम सुनो, एक क्वेश्चन का आंसर तो तुम लोग ही बता देंगे सिस्टम क्या है। एक बात बताओ, ये जो अंदर टी है वो बहुत गर्म है, समझा? हाँ, ऊपर से मैंने कुछ ढका वगा नहीं है, ऐसे सिंपल कप है, ऊपर कुछ नहीं है। बताओ वन आवर बाद आएंगे या फिर थोड़े टाइम बाद आएंगे, ये जो ये, अच्छा बताओ क्या ये सिस्टम है हमारा, इसको स्टडी कर रहे ना, ये हमारे लिए क्या हो गया सिस्टम। ये सराउंडिंग के साथ क्या क्या एक्सचेंज कर सकता हो बताओ? हीट एक्सचेंज करेगा, गर्म है थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। क्या वो जो अंदर का मैटर है वो एक्सचेंज करेगा? वो भी कर सकता है ना, बहुत ज्यादा टाइम बाद आओ थोड़ा कम मिलेगा ना तुमको चाहे उसमें, बराबर ना। तो इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। ऐसा मत सोचो ढका नहीं है इसके लिए ओपन सिस्टम, ऐसा नहीं मत समझा। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है और मैटर, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। समझा ओपन सिस्टम क्या है? समझा, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज हीट एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। समझा? अरे इजी, अपने मन से बना दिया डिफाइन। समझा क्या है, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज हीट एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज, एग्जाम्पल अ हॉट टी इन अ कप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। पढ़ते हैं किधर गया। अच्छा एक बात है, पहले बताओ क्लास टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब किसी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया रहेगा ना। हाँ, हम लोग किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? कोई भी सिस्टम सराउंडिंग के साथ दो चीज एक्सचेंज करता है, जरूरी नहीं दो चीज लेकिन दो चीज एक्सचेंज कर सकता है, क्या क्या बताओ, हीट और मैटर, उसके बेसिस पे मैंने क्लासिफाई कर दिया। समझा? पढ़ो ये, पहले ये वाला पॉइंट पढ़ो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वही एक्सचेंज किया ना यहाँ पे, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट और या फिर बोल सकते एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कौन सा है? ओपन सिस्टम, सॉरी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। उसमें से एक सिखा दिया मैंने तुमको, क्या सिखाया? याद है क्या है, बोलो डिफाइन क्या है। द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज हीट एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज, एग्जाम्पल बताओ, a hot tea in a cup is an example of, वही एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है, वही लिखा, पढ़ो पढ़ो पॉइंट पढ़ो, a system in which there is an exchange of energy, मतलब हीट, अभी हीट नहीं बोलेंगे अभी एनर्जी बोलते हैं, बराबर, which can exchange energy and matter with the surrounding is called as, example पढ़ो, a hot tea in a cup is an example of, समझ गया, समझा बोलो। हाँ, अब ये जो हॉट टी इन अ कप है, क्या करो इसको ना सॉसर से ऐसा ऊपर से ढक दो, मालूम है सॉसर जिसमें सॉस नहीं रहे, सॉसर अलग रहता है मालूम है, हाँ वो नीचे जो प्लेट रखते हैं जिसके ऊपर चाय का कप रहता है उसको बोलते हैं सॉसर से इसको ढक दिया ऐसा, समझा, सॉसर से ढक दिया। और ज्यादा टाइम नहीं कर रहे हम, ज्यादा टाइम हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। अब बताओ अंदर गर्म चाय है, एक घंटा बाद आएंगे क्या होएगा, सिर्फ ठंडा होएगा ना, चाय तो उतना ही रहेगा क्योंकि मैटर बाहर जा सकता है क्या, ड्रॉपलेट वाला राइट आंसर है, ड्रॉपलेट रहेगा क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा तो जो भी इवोपरेट हुआ रहेगा और जैसे तुम लोग करेंगे वो नीचे आ जाएगा ना वापस। मैटर गया क्या सराउंडिंग में, खाली क्या गया, मतलब क्या, हाँ इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। समझा? द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली हीट, नहीं बोलो एनर्जी बोलो, विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट द मैटर, किसके साथ, विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज, समझा, अ हॉट टी इन अ कप कवर्ड विद द इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, यही है, पढ़ो जल्दी फटाफट, पढ़ो फटाफट, अ सिस्टम इन विच देर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉट द मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। समझा? एग्जाम्पल वही, अ हॉट टी, पढ़ो, कवर्ड, हाँ, हॉट कप ऑफ टी कवर्ड विद द सॉसर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। समझा? इजी एकदम, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये चाय हम लोग ना थर्मस फ्लास्क में डाल देते हैं। थर्मस फ्लास्क देखा है? हाँ। सब लोगों ने देखा रहेगा ना, बराबर देखा है ना, हाँ। थर्मस फ्लास्क जो रहता है इसका एक स्पेशलिटी है, अगर इसके अंदर अगर मैं टी डालू हॉट टी तो वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए हॉट ही रहता है, मालूम है ना, बराबर। तो एक बात बताओ, थर्मस फ्लास्क है हमारे पास, थर्मस फ्लास्क है और इसके अंदर समझो हॉट टी है और उसको ढक्कन वगैरह प्रॉपरली बंद कर दिया है इसको, बराबर, समझा, देखा रहे ना, दो तीन ढक्कन रहता है उसमें, अगर प्रॉपरली देखा रहेगा तो,
मालूम है क्या थर्मस फ्लास्क क्या रहता है? देखा ना सब लोग ने? नहीं मालूम है? देखा रहेगा ना? हाँ, थर्मस फ्लास्क। हाँ थर्मस ही बोलते हैं उसको, थर्मस भी बोलते हैं। अरे ये भी देखा रहेगा तुमने, वो जो पानी वानी का सप्लाई होता है उसमें भी, वो जो ठंडा पानी का जो रहता है कैन, वो भी वही है ना। समझा? एक ही मतलब है, जरा ध्यान दो। इधर देखो, थर्मस फ्लास्क के अंदर अगर मैंने हॉट टी रख दिया तो वो बहुत ज़्यादा देर तक कैसा रहेगा? हॉट ही रहेगा। हाँ एक बात बताओ, अगर अरे बाद में डिस्कस करो, पहले देख सुन लो यहाँ पर। अगर मैं 1 आवर या फिर 2 आवर बाद आऊँ तो चाय जो गर्म था वो गर्म मिलेगा? मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है क्या? बराबर, चाय कम हो गया रहेगा क्या? मतलब मैटर का एक्सचेंज हुआ। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब द सिस्टम इन विच देर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। समझा? बराबर, एनर्जी भी नहीं एक्सचेंज होएगा और मैटर भी नहीं होएगा। समझा? एक बात और सुन लो, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम आज तक कहीं बना नहीं। ऐसा है क्या? समझो चाय, गर्म चाय इसमें रख दिया और एक साल बाद आके चेक किया, गर्म का गर्म ही रहेगा? ऐसा नहीं होता है। समझा? क्योंकि परफेक्ट ऐसा नहीं होता है, मालूम है ना तुमको? एक साल बाद आओ, गया वो खत्म, सड़ जाएगा अंदर से पूरा। बराबर ना? समझा पॉइंट? मतलब है परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इस दुनिया में आज तक कहीं बना ही नहीं, नहीं बना सकते। समझा पॉइंट क्या है? हाँ तो पढ़ते हैं, फिर पढ़ो। अ सिस्टम इन विच देर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एग्जाम्पल तुम वाले में पढ़ो, हॉट टी इन अ थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड। तुमको एक चीज और बताया मैंने, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं बना ना आज तक कभी? ऐसा हुआ कैसा? कोई चीज है क्या बताओ जिसमें गर्म रख दिया, 2-3 साल बाद अभी आया तो भी गर्म ही रहा? ऐसा नहीं होता। पॉइंट पढ़ो लास्ट। इन एक्चुअल प्रैक्टिस परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट, ऐसा नहीं हो सकता है कभी। समझा? बोलो, समझ गया ना? इजी लग रहा है? इजी है ना? बात पहले कम करो थोड़ा तो ध्यान दे यहाँ पे। तुम समझा ना क्या है अभी तक? समझा है? 3-4 क्वेश्चन कर दिया ना, 4 क्वेश्चन कर दिया, याद है? फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स और टाइप्स ऑफ सिस्टम, में तीनों कर दिया। समझा? अब आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम पढ़ लिया, सिस्टम समझा ना? कोई भी चीज जिसको स्टडी कर रहे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के हिसाब से वो सिस्टम, उसका प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। 2 टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेंसिव। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं आज के लेक्चर में। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? बहुत सिंपल है, जरा ध्यान दो। ये देखो, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, ध्यान दो इधर, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो डिपेंड किस पे करता है? मैग्नीट्यूड, मैटर मालूम है ना? जो कप ऑफ टी में जो टी है वो टी हमारे लिए मैटर हो गया। समझा? समझा ना? हाँ, तो एक ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर प्रेजेंट, वो हमारे लिए कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा? जैसे कि एग्जाम्पल समझो, वॉल्यूम, ज्यादा मैटर ज्यादा वॉल्यूम, डिपेंड किया ना वॉल्यूम मैटर पे। मास, ज्यादा मैटर लो ज्यादा मास मिलेगा तुमको। इंटरनल एनर्जी, नया कुछ चीज है, इसको डिनोट करते हैं यू से, यू। जो बॉडी के पास ज्यादा मास रहता है उसके पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी रहता है। सिंपल ना? अरे इंटरनल एनर्जी मतलब बॉडी के अंदर का एनर्जी, बराबर ना? जिसका बॉडी जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा उसके पास एनर्जी रहता है। कॉमन सेंस है ये तो? हाँ, तो समझा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज, सिंपल है? अरे एकदम सिंपल है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर पे डिपेंड किया वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं किया वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझा? बोलो, एग्जाम्पल याद रहेगा, वॉल्यूम मास इंटरनल एनर्जी ना, वॉल्यूम मास। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है कि जो मैटर पे डिपेंड नहीं करता? एग्जाम्पल सुनो, डेंसिटी, डेंसिटी समझा? समझो 1 टन, 1 टन आयरन लिया, लोखंड, समझा, और 1 kg लोखंड, 1 kg का होता है ना, 1 kg उसमें 1 kg लिखा रहता है, और एक 1 टन का लिया आयरन, समझा था? लोखंड 1 टन और 1 kg, वो भी आयरन है ये भी आयरन है, दोनों का डेंसिटी अलग रहेगा क्या? सेम रहेगा, सेम ही रहेगा ना? डेंसिटी सेम ही रहेगा ना? क्या डेंसिटी अलग अलग रहेगा? सेम रहता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम। समझा? उधर ज़्यादा मास है तो ज़्यादा वॉल्यूम भी है ना, तो ज्यादा अपॉन ज्यादा है, कोई तो कांस्टेंट नंबर आएगा। समझा? और जब मैं छोटा 1 kg में देख रहा है तो उसका मास भी कम है, वॉल्यूम भी कम है। समझा? तो इधर भी कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी मास पे, मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, मानो ना तुमको ये चीज। हाँ, प्रेशर ये भी नहीं डिपेंड करता है, प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता, मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर पे, ये भी नहीं डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर
अरे समझो एक हमारे पास कोई एक ऐसा चीज़ है, इसका टेम्परेचर समझो कुछ 100 डिग्री सेल्सियस है, बराबर, और इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस है, ज़्यादा मैटर किधर है, इधर है ना, तो मैटर पे डिपेंड किया क्या टेम्परेचर, अरे जितना गर्म करो उतना टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो मैटर पे डिपेंड करेगा क्या डिपेंड, नहीं ऐसा नहीं होता, समझा। तो टेम्परेचर भी कैसा है, कौन सा प्रॉपर्टी, इंटेंस है, बॉइलिंग पॉइंट। एक लीटर पानी लो, 10 लीटर पानी लो, कितने डिग्री सेल्सियस बॉयल होएगा, 100, तो भी डिपेंड किया क्या मैटर पे, समझा, याद रहेगा, DPTB ऐसा याद रखो, क्या DPTB, D मतलब डेंसिटी, P मतलब प्रेशर, मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, समझा, शॉर्टकट याद रखना, समझा, पहले याद है वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, वो ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा ज़्यादा इसके लिए बता दिया, DPTB, समझा, याद रखने के लिए, क्योंकि जब पूरा पढ़ेंगे तभी याद नहीं आएगा, तो उसके शॉर्टकट याद रखो, समझा, क्या है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अब जरा सुनो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्लासिफाई किया ना, प्रॉपर्टी का टाइप्स है, किसके बेस पे क्लासिफाई किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर ना, एक मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है और दूसरा नहीं करता है, तो समझा, क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर प्रेजेंट, पढ़ो पॉइंट पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंस ऑफ मैटर, मतलब कोई डिपेंड करता है कोई डिपेंड नहीं करता है ना, हाँ, सिस्टम्स प्रॉपर्टी आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, कौन सा है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ध्यान दे रहे ना, पॉइंट याद है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, समझा, ये भी पढ़े, बहुत ईजी है, द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, DPTB, बराबर ना, खत्म, समझा, बोलो, हाँ। 5 क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन, अभी तो इजी, अभी डिफाइन है, 6th क्वेश्चन, स्टेट वेरिएबल, 6th क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेरिएबल, देखो सिंपल अगर लैंग्वेज बताओ तुमको, स्टेट वेरिएबल मतलब क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो कोई भी चीज़ का स्टेट बताता है, स्टेट मतलब कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, समझा, ध्यान दो इधर, खुद मत पढ़ाओ, स्टेट वेरिएबल, ये देखो स्टेट वेरिएबल मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल कोई एक स्टेट को डिफाइन करता है, स्टेट मतलब वो वाला स्टेट नहीं, जगह वाला स्टेट नहीं, स्टेट मतलब टेम्परेचर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, समझा, वो सब वैसा कुछ, बराबर, तो स्टेट वेरिएबल मतलब क्या, एक ऐसा वेरिएबल जो कोई चीज़ का स्टेट बताता है, करंट स्टेट क्या है, एक एग्जांपल यहाँ पे किधर तो रहेगा, देखो हाँ इधर देखो, 1 ग्राम ऑफ वाटर मतलब आइस, समझो कुछ लिया आइस का क्यूब, 1 ग्राम, टेम्परेचर कितना है, 25, प्रेशर कितना है, 180, वॉल्यूम कितना है, तो ये जो दिख रहा है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का टी, प्रेशर का पी, और ये वॉल्यूम वी, इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, समझा, जो भी चीज़ कोई एक चीज़ का स्टेट बताता है, स्टेट बताया ना वो टाइम पे बताया कि स्टेट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्रेशर 180 का प्रेशर है, वॉल्यूम है 1 dm³, तो ये सब मेरे लिए क्या हो गया, स्टेट वेरिएबल, सिंपल समझा क्या है, पढ़ते डिफाइन पढ़ते मान पढ़े, पढ़ो, एवरी सिस्टम हैज सम मेजरेबल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, एवरी सिस्टम हैज सम, बोलो, मेजरेबल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ना, मेजरेबल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वही तो हुआ वहां का ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, इजी ना, हार्ड नहीं है, समझा क्या है, बोलो क्या था बताओ, एवरी सिस्टम हैज सम मेजरेबल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, बोलो, स्टेट वेरिएबल, वापस बोलो क्या बताओ, बोलो, एवरी सिस्टम हैज सम मेजरेबल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल, खत्म, समझा, नेक्स्ट, स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, ये जो बताएगा, स्टेट वेरिएबल हमेशा कोई हमको एक चीज का स्टेट बताता है ना, बराबर, मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 180 का प्रेशर, ये कंडीशन हो गया, 1 dm³, ये भी एक कंडीशन हो गया, हाँ, तो सिंपल सा डिफाइन है, पढ़ो, कंडीशन ऑफ अ स्टेट डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ, मतलब स्टेट वेरिएबल का एक स्पेसिफिक वैल्यू है, बराबर, वो हमारे लिए कंडीशन हो गया ना, कि 25 डिग्री सेल्सियस ये कंडीशन हो गया, 1 dm³ वॉल्यूम, ये कंडीशन हो गया, प्रेशर 180 का, वो कंडीशन हो गया, समझा, द कंडीशन ऑफ स्टेट बराबर डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड एज स्टेट, थोड़ा है लेकिन समझा, इधर इधर और वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होएगा, लेकिन इजी है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं, स्टेट वेरिएबल याद है, बोलो क्या था बताओ,
एवरी सिस्टम हैज सम, बोलो तो, मेजरेबल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी सच, लाइक लाइक क्या के लाइक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल। ये बहुत ईजी, देखो बताते क्या, देखो क्या पढ़ रहे हम लोग, स्टेट ना, बरा स्टेट का डिफाइन है कंडीशन ऑफ स्टेट, स्टेट के डिफाइन में एक स्टेट आता है, याद रखने हा? तो स्टेट क्या है, कंडीशन ऑफ स्टेट, बरा डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड अ स्टेट, समझा? फिर से सुनो, कंडीशन ऑफ स्टेट डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड स्टेट। बोलो क्या है स्टेट का डिफाइन, कंडीशन ऑफ स्टेट डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड अ स्टेट। खत्म ना, समझ गया, याद है स्टेट वेरिएबल स्टेट। अब आएगा स्टेट फंक्शन, बराबर स्टेट फंक्शन क्या, बहुत इजी है, देखो स्टेट फंक्शन मतलब क्या, करंट स्टेट जो बताएगा वो हमारे लिए स्टेट फंक्शन है। देखिए एग्जांपल पॉइंट पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर। अच्छा एग्जांपल तुमको पहले ही समझा दिया ना मैंने यहाँ पे, ये देखो ना एग्जांपल, याद है 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो याद हो गया रहेगा 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना 180 एम, वॉल्यूम कितना 1 डे। तो ये सब क्या है, ये टेम्परेचर ये प्रेशर ये वॉल्यूम, ये क्या कर रहा है, ये करंट स्टेट बता रहा है ना, करंट स्टेट। ऐसा बोल रहा है क्या कि ये वैल्यू 10 मिनट बाद रहेगा, नहीं करंट बता रहा ना। तो ये जो भी स्टेट वेरिएबल है जो करंट स्टेट बताते हैं हमको, वो हमारे लिए क्या रहेगा, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन एक्चुअल में स्टेट वेरिएबल ही है, लेकिन स्टेट वेरिएबल का कैसा आंसर चाहिए हमको, करंट वैल्यू चाहिए, समझा? मतलब अभी क्या वैल्यू है, 10 मिनट पहले या फिर हिस्ट्री में क्या था उससे मतलब नहीं, बताया ना पाथ पर डिपेंड नहीं करता, नहीं। अरे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग थर्मोडायनामिक, ये इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल बीच में क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, समझा ना? पढ़ते वाले पढ़े, पढ़ो, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट, समझा? एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इज इनडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू रीच दैट स्टेट। अरे कौन से रास्ते से वो स्टेट पे रीच किया उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, डिपेंड किस पे करना चाहिए, करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, समझा? वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। फिर से एक बार, इतना हार्ड भी नहीं है, पढ़ो, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इज इनडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू रीच दैट स्टेट, बराबर, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन, याद रहेगा? बोलो बोलो जरा बिना के, बोलो बताओ क्या था, बताओ, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इज इनडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू रीच दैट स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ वॉटर, H2O मतलब वॉटर, वो मैं लिख दिया शॉर्ट, 1 ग्राम ऑफ वॉटर कहाँ पे, हैज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 180 एम, वॉल्यूम 1 dm³। तो ये जो ये सब चीज क्या है, दिस क्वांटिटी लाइक प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या कर क्या रहा है, डिपेंड्स ऑन द करंट सिचुएशन या फिर करंट वैल्यू ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री पे थोड़ी डिपेंड है, ये थोड़ी बता रही कि 5 मिनट पहले 25 डिग्री सेल्सियस था या फिर 10 मिनट बाद ये रहेगा, वो बता रहा है अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, अभी प्रेशर 180 एम, अभी वॉल्यूम 1 dm³, समझा? तो ये सब मेरे लिए क्या हो गया बताओ, स्टेट फंक्शन, समझा? स्टेट फंक्शन क्या है, बोलो, समझ गया ना स्टेट फंक्शन क्या है, बोलो। चलो तो डिफाइन याद है, बोलो याद है ना, इधर का सब याद है क्या? चलो ये बताओ जरा, स्टेट वेरिएबल क्या था, एवरी सिस्टम हैज सम मेजरेबल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, बराबर, लाइक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल, राइट है? स्टेट क्या था, कंडीशन ऑफ स्टेट डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड एज, खत्म, याद है ये स्टेट फंक्शन। ये देखिए बोलो, स्टेट फंक्शन बोलो क्या था, एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू रीच दैट स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ वॉटर has temperature 25 degree celsius, pressure 180 m, volume 1 dm³, right? तो ये जो है, this quantity like pressure temperature volume depends on the current state and is independent of the history, अपने मन से बता सकते, कोई problem नहीं, समझा ना? बोलो, समझ गया, समझा ना अभी तक क्या क्या है, बोलो ना, clear है ना? हाँ, history मतलब path जिससे वो आया ना उस पर depend नहीं कर रहा। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना कर दिया, 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, 9th पढ़ो क्या है,
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एकदम इजी है। देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज, ज्यादा कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, एकदम इजी है। देखो अगर हमारा स्टेट फंक्शन याद है ना, हाँ, जो किस पे डिपेंड करता है, करंट स्टेट पे, हाँ, अगर हमारा स्टेट फंक्शन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझा, अरे बहुत इजी है, अगर स्टेट फंक्शन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। पढ़ो, बहुत इजी, पढ़ो, अ सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कब कब पढ़ो, व्हेन स्टेट फंक्शन, इसका एक और नाम है और थर्मोडायनेमिक फंक्शन डज नॉट चेंजेस विद टाइम, खत्म, इजी ना, बोल सकते फिर से, बोलो क्या है, अ सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनेमिक फंक्शन डज नॉट चेंजेस विद टाइम, हो गया ना, समझा। हाँ, ये सेकेंड पॉइंट तुम्हारे सिलेबस का नहीं है लेकिन ये सीईटी वगैरह में एक बार आ चुका है, इसके लिए पॉइंट इंक्लूड कर दिया मैंने। ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है इसकी वजह से, मतलब ये कब आता है और इसका मतलब क्या है, जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा तो तीन अलग अलग टाइप का इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है। पहला है किधर गया, थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकेंड केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्ड मैकेनिकल। ये तीनों इक्विलिब्रियम रहेगा तो एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कौन सा इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक। समझा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन सा है, थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल, इजी ना, दोनों बोलो जरा, फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या है, द सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनेमिक फंक्शन डज नॉट चेंजेस विद टाइम। सेकेंड पॉइंट, the term thermodynamic equilibrium implies the existence of three kinds of equilibrium, kaun sa hai, thermal, chemical, mechanical equilibrium, khatam, question number 9 bhi kar diya, 10th pe aate hain, ye bahut important hai, yahan se question number 10 ke andar bahut sara question hai, agar question number 10 exam mein aata hai thermodynamic process to 2 ya 3 mark ke liye aayega, uske andar batane ka ki kya hai, usme naam batana padega, isothermal, adiabatic, isothermal aaya hua hai, bolo kahan pe, आइसोथर्मल प्रोसेस की तो पढ़ा मैंने तुमको 11th में, आइसोथर्मल प्रोसेस याद है, साउंड वाले चैप्टर में वो न्यूटन्स लॉ आया था, न्यूटन ने क्या गलती किया था, क्या लिया था उसने, आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर लैपलेस ने चेंज करके उसको एडियाबैटिक प्रोसेस लिया, याद है, याद करो, उधर बताया था तुमको एडियाबैटिक ना, याद है कि नहीं, वो कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, वो कम टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है, वैसा। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, खत्म होने, लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो एकदम अच्छे से, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एक इक्विलिब्रियम से अगर हम लोग ट्रांजिशन दूसरे इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं तो वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फिर से एक बार, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पे हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, तो वो किसमें आ जाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बहुत सिंपल है, ट्रांजिशन ऑफ वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एग्जाम में आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टी लिख दिया, समझो टी मतलब थर्मोडायनेमिक, बराबर है, समझा, बोलो, हाँ, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझा क्या है, ट्रांजिशन ऑफ वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर टोटल 6 प्रोसेस है, 6 में से मेरे पास 3 ही हुआ है, जगह नहीं है, 3 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहला प्रोसेस पढ़ो क्या है, आइसोथर्मल, ना ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत तुमको मालूम है। सेकेंड एडियाबैटिक, थर्ड आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक, एक एक पढ़ते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो एक चीज, एक क्वेश्चन का अगर तुम मुझे आंसर दे तो तुमको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। समझो एक वेसल है, वेसल में पानी है, पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी में पानी बॉइल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, फिर भी गैस चालू रखा है, तो अंदर का टेम्परेचर कितना रहेगा पानी का, 100 ही रहेगा क्या, उससे ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा, पानी 100 के आगे जा सकता है, वाटर जा सकता है नहीं ना, बॉयल लास्ट, हाँ, मतलब अब वो सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहेगा कि चेंज होते रहेगा, 100 ना, समझा, वही आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या, द प्रोसेस इन विच देर इज इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कौन, टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं, राइट है, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज, अच्छा कब कब, थ्रू आउट द ट्रांस, जब तक पूरा चेंज, ट्रांजिशन याद है क्या,
एक इक्विलिब्रियम से दूसरा इक्विलिब्रियम, हाँ, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज कौन सा प्रोसेस? हाँ, अब ये तो बहुत ईजी था, इसका आंसर तो देखो। एक बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा? आइसोथर्मल बोल रहा है मैं, आइसोथर्मल बोल रहा है, तो क्या सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करेगा? करेगा, करना पड़ेगा उसको। 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने का है, नीचे से 200 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, लेकिन खुद का कैपेसिटी कितने का है? 100, तो बाकी 100 किधर जाएगा? नेचर में ना, सराउंडिंग में, समझा? आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है, याद रखो। हाँ, ऐसा मत सोचो आइसो मतलब सेम तो टेम्परेचर सेम, ऐसा नहीं, समझा? टेम्परेचर सेम है, सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, सिस्टम का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने के लिए उसको एनर्जी का एक्सचेंज करना पड़ता है सराउंडिंग के साथ। अभी एसी समझ लो, ये क्लासरूम, बरा एसी लगाया, तो इधर का टेम्परेचर उसको समझो 24 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने का है, तो हमारे बॉडी से जो भी हीट निकलता है वो कहाँ लेके जाता है? कंप्रेसर के साथ बाहर ना, हुआ ना सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज, तभी तो इधर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा ना, बोलो समझ क्या रहेगा, समझा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज। एक बात क्लियर समझ लो, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू, एक मिनट रुक जाओ। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक का मतलब मालूम है, हीट बाहर जा रहा है, समझा, एंडोथर्मिक में अंदर ले रहा है, समझा, मालूम है ना, हीट इवॉल्व तो एक्सोथर्मिक, हीट गेन तो एंडोथर्मिक। एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा कि लेगा? देगा। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर जाता है ना, तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, तो सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दिया, इजी ना। हाँ, अगर बताओ एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सिस्टम क्या करेगा? तो सराउंडिंग, मतलब हम लोग तो बात कर रहे हीट का एक्सचेंज का ना, तो कुछ भी हो सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है। एक्सोथर्मिक में क्या करेगा? देगा, हीट देगा, और एंडोथर्मिक में? यही तो पॉइंट है। फिर से पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर टू पढ़ो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग में कौन से केस में जाता है? एक्सोथर्मिक ना, तो लिखा है ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, कौन से प्रोसेस में? एंड, खत्म, इजी ना। अरे मतलब है हर एक चीज का, समझ गया? हाँ, एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100, बताया, यही तो एग्जाम्पल देके समझाना तुमको, वाटर को बॉइल कर रहे 100 डिग्री से, ये सब क्या लिखा बताता हूँ, चलो देखो, एंडो, एक ही बात चलता है, एक्सोथर्मल लिखो, एक्सोथर्मिक लिखो, एंडोथर्मल भी लिख सकते हैं। हाँ, फोर्थ पॉइंट, कुछ मैथमेटिक्स है, एक्सो आना चाहिए बस, और थर्म आना चाहिए, और एंडोथर्मिक, एक ही बात, चलो। हाँ, तो कुछ मैथमेटिक्स बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये एमसीक्यू में आता है बहुत बार, एमएचटी सीटी में। देखो, एक बात बताओ, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा टी है, टी का मतलब पूछना नहीं, टी क्या है तुमको ऑलरेडी मालूम है, टी क्या होता है? टेम्परेचर। डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या रहेगा? इतना मैथ सिखा दिया मैंने तुमको, टी टू माइनस, एक बात बताओ, टी टू का वैल्यू और टी वन का वैल्यू सेम सेम रहेगा क्या अलग अलग रहेगा? अरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? ये मत सोचो वो एक्सचेंज कर रहा है तो खुद का कम हुआ, ऐसा नहीं, खुद का मेंटेन करने के लिए तो वो आगे टेम्परेचर का एक्सचेंज, मतलब हीट का एक्सचेंज कर रहा है ना, तो जो पहले टेम्परेचर था T1 सिस्टम का, वही टेम्परेचर, वही तो डिफाइंड है, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो T1 और T2 का वैल्यू सेम सेम क्या अलग अलग? सेम चीज को माइनस किया, जीरो, तो डेल्टा टी का आंसर, समझा? बोलो, अगर बॉडी का टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो बॉडी का इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होता है। यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, आ चुका है ना एक बार, मास वॉल्यूम, किधर तो आया था ना, किधर गया वो, मास वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी ना। हाँ, तो अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो बॉडी का इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी पहले था, U1 और U2 का आंसर सेम सेम क्या अलग अलग? सेम सेम, ओके। एक और ये लॉ है, वो लॉ में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए जस्ट मैथमेटिक्स देख लो। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तुम्हारे सिलेबस में ये बार कैपिटल क्यू लिया है इसको, प्लस डब्ल्यू, बताता हूँ सबको मतलब। डेल्टा यू का मतलब बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा का मतलब है चेंज इन, अगर मैं सिर्फ यू लिखूं तो नाम आएगा इंटरनल एनर्जी, अभी क्या है
चेंज इन एनर्जी. W मतलब वर्क डन, Q मतलब हीट एक्सचेंज. Q मतलब अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा U का आंसर कितना है? जीरो. जीरो पुट करो. अगर मैं यहाँ पे जीरो डालूँ तो बताओ W का आंसर, मैथ्स आना चाहिए, बोलो W का आंसर माइनस ऑफ आता है ना मैथ्स इतना तो. हाँ इसका मतलब है जितना भी हीट मैंने दिया इंजन को उसने पूरा का पूरा हीट को यूटिलाइज किया वर्क डन करने के लिए. समझा मतलब क्या है? बोलो समझ गया रहेगा ना क्या है? नहीं समझा? समझा रहेगा ना? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किसका किसका आंसर जीरो? डेल्टा टी और डेल्टा यू, और वर्क डन क्या रहेगा? इक्वल टू. सब याद रखो, सब ए टू जेड सब याद रहना चाहिए हमको, राइट है? तो समझ गया तुमको क्या है ना आइसोथर्मल प्रोसेस? डिफाइन याद है? बोलो क्या बताओ? द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट है? इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इन केस ऑफ आइसोथर्मिक, एंड इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस हीट द हीट इज हीट फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. मन से बना सकते हैं, मतलब चेंज होना चाहिए बस. एग्जाम्पल याद है, बॉइलिंग ऑफ वाटर एट, समझा? डेल्टा टी का आंसर, डेल्टा यू का आंसर, डब्ल्यू का आंसर खत्म ना. चलो आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में. क्या नहीं, वो तभी मेरा सिस्टम नहीं है. मेरा सिस्टम क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर एट, मैं चालू बॉइलिंग चालू किया तभी का बात नहीं किया ना. देख सिस्टम, समझा? सिस्टम ये देखो, सिस्टम कभी है वो ऐसा मत सोचो कि सर बॉइल थोड़ी डायरेक्ट सौ पे आएगा. अरे मैंने सिस्टम किसको लिया है? मैंने वो चीज़ को सिस्टम लिया है जो पहले से 100 पे है. समझा रहेगा ना? हाँ चलो आते हैं एडियाबैटिक. आइसोथर्मल का जस्ट अपोजिट है एडियाबैटिक. आइसोथर्मल में टेम्परेचर सिस्टम का कॉन्स्टेंट था, इधर नहीं रहेगा. समझा? द सिस्टम सॉरी द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ. डज नॉट रिमेन, अच्छा इसके आगे पढ़ सकते थ्रू आउट द ट्रांजिशन. इतना इतना रुक जाओ. इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था थ्रू आउट द टाइम ट्रांजिशन, और यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है. आंसर इधर दो, अब ये तो कोई भी पढ़ लेगा. एक बात बताओ, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है बराबर, तो बताओ तुम्हारा जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? नहीं है. अच्छा अगर सिस्टम का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है तो क्या वो हीट को सराउंडिंग से उसने एक्सचेंज किया था क्या? नहीं. क्या सराउंडिंग से हीट लिया था? नहीं. कैसे मालूम पड़ रहा है तुमको ये? अगर ये टेम्परेचर मेंटेन मतलब एक ही टेम्परेचर रखा है कि चेंज कर रहा है? चेंज कर रहा है. तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या इसने सराउंडिंग से हीट लिया या फिर सराउंडिंग को हीट दिया, ऐसा कुछ हुआ रहेगा? नहीं. बोलो नहीं, नहीं हुआ रहेगा. चलो बता दो, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, बताता हूँ क्यों. देखो ये सोचो, खुद का टेम्परेचर मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहा है वो, मतलब या फिर एक ही मतलब है मेंटेन नहीं कर रहा मतलब चेंज रखा है. सुनो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहता है, अगर कोई सिस्टम अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो वो एडियाबैटिक में आएगा, और टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है तो आइसोथर्मल में आएगा. टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है मतलब चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन है, जब भी इसको टेम्परेचर मिला, जब भी इसको एनर्जी मिला, ये इसने नेचर के साथ सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज किया ही नहीं. जब कोई चीज़ हम लोग सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेंगे ही नहीं, समझा ना? इसको मैंने 200 डिग्री सेल्सियस दिया, इसने सराउंडिंग को दिया ही नहीं, तो इसका टेम्परेचर कितना? समझा दिया क्या सराउंडिंग को? नहीं, तभी तो ज़्यादा बढ़ गया ना. समझा? बोलो क्लियर ना? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पहली बात तो सिस्टम का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, और क्यों नहीं रहता उसका रीज़न है. रीज़न क्या है? क्योंकि ये सराउंडिंग के साथ हीट का मतलब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता, और यहाँ पे करता है, आइसोथर्म में होता है ना, आइसोथर्म में. बोलो हाँ चलो पढ़ते, अब पूरा पॉइंट पढ़ते, पढ़ो पॉइंट. द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांजिशन, दैट इज मतलब लिखा रहेगा, हाँ दैट इज देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस, इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक. समझा? बोलो समझ गया ना? हाँ चलो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब क्वेश्चन का आंसर दो, अगर कोई ये केमिकल रिएक्शन कर रहा है, समझो हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैसा है? आंसर दो. हाँ एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वो कैसा है? सिस्टम में मतलब कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एक्सोथर्मिक मतलब हीट
क्या होना चाहिए, इवॉल्व। हीट इवॉल्व होएगा तो क्या सराउंडिंग को देगा? नहीं देगा, अभी तो पढ़ा ना, नहीं। देखो ना यहाँ पे डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ना थ्रू आउट द ट्रांजिशन, इधर लिखा है ना, इसका मतलब क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, दैट इज देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन, नहीं हो सकता है, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है कम ज्यादा हो रहा है ना। सुनो, सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है। एक बॉटल है, बॉटल के अंदर दो केमिकल को मिक्स कर दिया, वो केमिकल से क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो जो हीट निकलेगा वो बॉटल के अंदर ही रहेगा ना। अगर एडियाबेटिक है तो बॉटल के बाहर जाएगा क्या? कैसे? मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, अंदर पूरा सिस्टम क्यों देख रहे हैं? सिस्टम क्या है हमारा? बॉटल, बॉटल के अंदर दो केमिकल, जिसके अंदर जो केमिकल जब रिएक्ट करेंगे कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल को देखो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो हीट निकलेगा कन्फर्म, लेकिन सराउंडिंग में नहीं जाएगा। तुम लोग सोच रहे हो वो बॉटल के अंदर जो थोड़ा सा गैप बचा है वो तुम्हारे लिए सराउंडिंग है, वो नहीं है। बॉटल के बाहर जो है वो चीज़ तुम्हारे लिए सराउंडिंग है, समझा? तो जो हीट है वो सिस्टम के अंदर ही कि बाहर गया? अंदर ही है, अगर एडियाबैटिक है तो, समझा? अंदर ही है, मतलब थर्मस फ्लास्क के अंदर समझो रिएक्शन कर रहा है ऐसा कुछ, समझा? हीट अंदर ही है, तो वो अंदर का सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा ही कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो, समझा? अब एक दूसरा आंसर दो। अब वही सेम पूरा थर्मस फ्लास्क है, अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है मतलब नेचर से हीट लेना चाहिए, लेकिन ले पाया क्या? नहीं। तो बताओ खुद का टेम्परेचर क्या होएगा? कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। नहीं समझा? बोलो। अरे इसका क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या हो रहा है? देखो, एक्सोथर्मिक के टाइम पे टेम्परेचर इवॉल्व होता है, मतलब हीट इवॉल्व होता है, लेकिन हीट इवॉल्व केमिकल से अंदर जो भी हीट इवॉल्व होगा वो तो सिस्टम के अंदर रहेगा ना, एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है तो उसके से प्रॉब्लम आ रहा है। एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है तो खुद का टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है। और सेकंड वाले केस में एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट गेन होना चाहिए लेकिन गेन नहीं हो पा रहा है, तो खुद क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा ना, समझा? बोलो, खुद का टेम्परेचर डाउन। पढ़ो सेकंड पॉइंट, पढ़ो। फॉर एक सिंपल है, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर मतलब हीट निकला, बॉटल के बाहर गया ही नहीं, बॉटल गर्म, समझा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट आया ही नहीं तो खुद ठंडा, सिंपल यही लॉजिक है। पढ़ो सेकंड, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज, मतलब ठंडा हो गया ना, क्लियर ना? हाँ चलो, तो यहाँ पे हम लोग एक देखो एक मैथमेटिक्स और करते हैं। यहाँ भी याद है डेल्टा टी, डेल्टा यू, ये सब ओके, ये ध्यान दो सब लोग। बताओ तुम्हारे हिसाब से डेल्टा टी का वैल्यू क्या रहेगा? क्या वो जीरो हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले का टेम्परेचर अभी का टेम्परेचर में फर्क है, टेम्परेचर चेंज हो गया है ना। हाँ, डेल्टा टी का आंसर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा टी का आंसर जीरो था तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो, चेंज इन इंटरनल जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो नहीं है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो नहीं रहेगा, कुछ तो चेंज हुआ रहेगा इंटरनल। अरे हीट आया, एनर्जी आया, एनर्जी बढ़ जाता है वहाँ पे। हाँ, तो अगर डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा यू भी, हाँ वो याद है फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन ना, बराबर है? हीट एक्सचेंज हुआ क्या? क्यों हुआ? नहीं, तो किसका आंसर जीरो है? क्यों? सिंस क्यू का तुम्हारा आंसर जीरो है, क्यू के जगह जीरो डालो, बोलो डेल्टा यू, डब्ल्यू, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, समझा? क्योंकि हीट, क्यू को बोलते हैं हीट एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ना, हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं, बोलो क्लियर है? चलो, तो समझ गया ना तुमको क्या हो रहा है, समझा है ना? इजी है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो सिस्टम है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है, खुद का हीट मतलब नेचर के साथ एक्सचेंज करके देता है, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करते रहता है, इधर खुद अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है क्योंकि सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज हो रहा ही नहीं है, सिंपल लॉजिक है। आइसो बारिक प्रोसेस पढ़ते हैं। देखो आइसो मतलब सेम होता है, इधर सेम था ना, सेम टेम्परेचर, इधर सेम प्रेशर आएगा, बार प्रेशर का यूनिट होता है ना, वन बार। हाँ, तो आइसो बारिक प्रोसेस मतलब क्या है? थ्रू आउट द ट्रांजिशन अब क्या सेम रहेगा? प्रेशर, समझा? पढ़ो पॉइंट, पढ़ो।
अरे सबका सबका स्टार्ट सेम ही है. द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. जो भी लेबोरेटरी में तुम लोग जो भी रिएक्शन करते हैं वो आइसोबारिक प्रोसेस है. बराबर. लेबोरेटरी में जो भी तुम लोग रिएक्शन करते हैं वो कैसा प्रोसेस है? क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन तुम लोग टेस्ट ट्यूब में करते हैं सब विंडो विंडो खुला रहता है ना. बराबर. याद है विंडो खोलते कभी भी? हाँ. तो कितना प्रेशर है? 180 का कॉन्स्टेंट प्रेशर. प्रेशर कॉन्स्टेंट ना, रिएक्शन होने दो, प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है. तो कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक. सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल, इन लेबोरेटरी ऑल रिएक्शन आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल. ना ओपन रहता ना, ओपन वेसल विथ अ कॉन्स्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ 180 डेल्टा पी का आंसर क्या रहेगा? डेल्टा पी मालूम है क्या है? चेंज इन प्रेशर. प्रेशर चेंज हुआ ही नहीं, पहले भी 180 स्टार्टिंग में और रिएक्शन होने के बाद भी 180 - 180 जीरो. डेल्टा पी का आंसर जीरो. इजी ना? इजी है. पूरा याद है आज जो पढ़ाया? इजी थी, इतना कुछ हार्ड नहीं है. तो सबसे पहले हमने पढ़ा थर्मोडायनामिक्स ना. याद है क्या थर्मोडायनामिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देयर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड द चेंज विच ऑकर्स ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. फर्स्ट लिमिटेशन, इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. इट डज नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर एंड द स्पीड विथ विच द रिएक्शन हैज ऑकर्ड. It does not tells about the mechanism of the reaction and it is only interested in initial and final condition of the state. Samjha? Fourth, it does not consider internal structure of atoms or molecules. System yaad hai? The part of universe selected to study thermodynamic property is called as system. Yaad hai? Kya tha example? A test tube with solution under study is a system. Surrounding, a part of universe other than system is called as surrounding. Surrounding is a large stock of mass and energy can be exchanged between system and surrounding. Whatever. बस इतना ही था ना. हाँ, टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर. ना हीट एंड एनर्जी, एनर्जी एंड मैटर ऐसा बोल सकते हैं. ओपन सिस्टम याद है? अ सिस्टम इन विच there is exchange of heat, energy and matter with the surrounding is called as example. A hot tea in a cup is an example of open system. Closed system क्या है? A system in which there is only exchange of heat with the system, not the matter, is called as closed system. Example, hot cup of tea covered with the saucer is an example of closed system. Isolated system याद है? The system in which there is no exchange of energy and matter with the surrounding is called as isolated system. Example, thermos flask. Na bhai, a hot tea in a thermos flask. Perfectly isolated system does not have. Aisa nahi ho sakta, right? Fir padha properties of system. Isko classify kiya on the basis of magnitude of matter present in the system. Bara ye extensive property. Bolo kya hai? The property that depends upon the magnitude of matter present in the system is called as extensive. Example. वॉल्यूम, मास, याद है ना. इंटेंसिव क्या है? द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज एग्जाम्पल डीपी टीबी ना. क्या क्या? डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट. इजी है. फिर पढ़ा स्टेट वेरिएबल. Every system has some measurable thermodynamic property, such as क्या क्या था? Temperature, pressure, volume. Such properties are called as state variable. फिर बड़ा state, condition of state determined by specific value of state variable is called as state. फिर बड़ा state function, ना? Any property of the system which depends upon the current state of the system and is independent on the path followed by the system to reach that state is called as state function. Example, 1 gram of water has temperature 25 degree Celsius, pressure 180 and volume 1 dm³. But this quantity like pressure, volume and temperature depends on the current value and is independent on the history. फिर पढ़ा thermodynamic equilibrium. याद है? कब आता है थर्मल में? जब तुम्हारा स्टेट वेरिएबल, सॉरी स्टेट फंक्शन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हुआ. तो पढ़ो, अ सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनेमिक फंक्शन डज नॉट चेंजेस विद टाइम. फिर पढ़ा कि इसका मतलब कौन सा तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है बताने का. द टर्म थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. खत्म. फिर पढ़ा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ट्रांजिशन ऑफ
वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तीन पढ़ लिया. पहला बोलो बोलो, द प्रोसेस इन विच देर इज अ द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस. याद है ना इसमें क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है? होता है. समझा? होता है. हाँ. सेकेंड पॉइंट, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इन केस ऑफ एक्सोथर्म एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम इन केस ऑफ. खत्म. डेल्टा टी का आंसर, डेल्टा यू का आंसर, डब्ल्यू इक्वल टू मतलब वर्क डन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इन टू, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द हीट एक्सचेंज गेट्स कंप्लीटली कन्वर्ट, हीट एक्सचेंज इज फुल्ली यूटिलाइज टू डू वर्क. समझा? ऐसा. फिर पढ़ा एडियाबैटिक प्रोसेस. क्या था एडियाबैटिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांजिशन. दैट इज देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट सिस्टम टू सराउंडिंग ना, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक. एग्जाम्पल याद है? एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ जाता है और एंडोथर्मिक में कम हो जाता है. पढ़ो, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज. डेल्टा टी का आंसर नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू नॉट इक्वल टू जीरो. डेल्टा यू का फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू तो जीरो है क्योंकि हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो वर्क डन या फिर मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. सिंपल. फिर पढ़ा आइसोबारिक प्रोसेस. याद है ना? द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज आइसोबारिक. इन लेबोरेटरी ऑल रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर इन ओपन वेसल विद कॉन्स्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 atm. डेल्टा पी का आंसर जीरो, क्योंकि प्रेशर में चेंज हुआ ही नहीं. समझा? तो ऐसा हमको कम से कम 6-7 लेक्चर लेना पड़ेगा तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म. समझा? फुल पढ़ा रहा हूँ इसके लिए.